साथियों, आज देश आजादी के 75वें वर्ष में है और इस समय 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से आज हिंदुस्तान लड़ रहा है। कोरोना का ये कालखंड पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर के आया है और एक प्रकार से दुनिया उस चौराहे पर आकर के खड़ी है जहां पर टर्निंग पॉइंट निश्चित है। आगे जो दुनिया हम देखने वाले हैं वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना काल से पहले थी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में बहुत बदलाव आए, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया, वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव की संभावना है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है। और इसके प्रारंभिक संकेत नजर भी आने लगे हैं। हम सब ने इस बात को मार्क किया होगा, अनेक कोने से सुना होगा, बहुत सी चीजें पढ़ी होगी और आप भी दुनिया में कहीं जाते होंगे, मिलते होंगे तो आप भी अनुभव करते होंगे। आज भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। भारत जैसे विशाल देश को, लोकतांत्रिक देश को, और इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी विविधताओं को संभालते हुए चल रहे देश को अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं। और इसलिए पूरा विश्व भारत के लिए नए सिरे से जब देख रहा है तो हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम हमारे देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं, अनेक विविध क्षेत्रों में बदलाव लाएं, मजबूती लाएं। ये समय नए अवसरों का, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर तो बने ही, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो।